आप आइए शाहीन बाग में, आप जामिया आइए, आपको संविधान इतना सिखा देंगे कि इतनी बड़ी एज में आपने संविधान कभी ना पढ़ा होगा ना सुना होगा। यहाँ आपको जो फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है संविधान ने जो हमें दी है, हर भारत के नागरिक की जो जिम्मेदारियां और अधिकार है, शाहीन बाग की महिलाएं शाहनवाज हुसैन को बताने के लिए तैयार है, मुख्तार अब्बास नकवी को बताने के लिए तैयार है, हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को सिखाने के लिए तैयार है। लोग हैं प्रकाश अम्बेडकर जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, या वामन मिश्राम जैसे लोग, आज देश में उन तमाम दलितों और बहुजनों को, जो बड़ी आबादी है, 75% है इस देश में, तो वो 75% आबादी, देश में 14% मुसलमान है गवर्नमेंट के आंकड़ों के मुताबिक, तो इतनी बड़ी आबादी अगर मिल जाएगी तो 3% मनुवादियों को बहुत आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों में लगातार ये आंदोलन CANPR के विरोध में चल रहा है, शाहीन बाग में भी चल रहा है और जामिया में भी उसी तरह से, जिस तरह से आज से 89 दिन पहले जामिया में शुरू हुआ था और आज तकरीबन 88 दिन शाहीन बाग को हो चुके हैं, वो आंदोलन लगातार चल रहा है। इस बीच में जितने भी त्यौहार आए हैं, जितने भी मौके ऐसे आए हैं कि हम सब मिलकर के भारत के लोग वो त्यौहार मना सकें, वो सारे त्यौहार भी मनाए गए हैं और उन तमाम त्यौहारों को सेलिब्रेट भी किया गया है। उन तमाम हालात में कि जब देश के लोग परेशान हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार आंदोलन भी चल रहे हैं, तब भी लोग उसको खुशी को कहीं ना कहीं मिलजुल करके मिल बांट करके एंजॉय कर रहे हैं। कल शाहीन बाग में होली जलाई गई और उस होली की आग के साथ साथ में CANPR के कानून को भी जला दिया गया, NRC के कानून को भी जलाया गया और फिर यही हमें जामिया में देखने को मिला। लेकिन इस बार होली का जो रंग है वो काफ़ी खुश्क है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को जिस तरह से जलाया गया है, लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि जिनके घरों में पूरी आग लगा दी गई है, जिनके कारोबार ठप हो गए हैं, लोग जिस तरह से परेशान हैं, जिनके घरों में मातम है मौतों का, जिनके घरों में लोग हर तरह से परेशान हैं, जिनके घर जला दिए गए हैं, बर्तन ख़त्म हो गए हैं, किताबें जला दी गई हैं, आग लगा दी गई है पूरे के पूरे घर में, जाहिर है उनके घरों में जो होली का रंग है वो काफ़ी फीका पड़ गया है और लोग 2020 के भारत में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शोक की वजह से कहीं ना कहीं होली नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन हम देश के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जामिया ने भी फिर से थोड़ी सी हिम्मत की, शाहीन बाग में भी थोड़ा कहीं ना कहीं इसको एंजॉय करने की कोशिश की गई, तमाम दर्द के साथ में कि हमारे देश का त्यौहार है। जिन लोगों ने खून की होली तकरीबन 24 फरवरी 25 26 27 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में खेली है, जाहिर है उनके दिल में तो जज्बात होंगे उसको लेकर के, लेकिन जो इंसानियत परस्त लोग हैं, जो इंसानियत का दर्द रखते हैं, जो इस देश में मोहब्बत और भाईचारे में यकीन रखते हैं, उनकी होली इस बार काफ़ी फीकी रही, मगर फिर भी कहीं ना कहीं लोगों ने एक दूसरे के साथ में एंजॉय किया और यही हमें जामिया में देखने को मिला और यही हमें शाहीन बाग में देखने को मिला। और हम लोगों से ये अपील करेंगे कि हमारे देश की जो पहचान है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता है, गंगा जमनी तहजीब है, हमारे देश में जो गंगा बहती है उसी गंगा से हिंदू अपने पापों को धुलते हैं, उसी गंगा का पानी गुरुद्वारों के लंगर में इस्तेमाल होता है और उसी गंगा के पानी से मुसलमान वजू करके नमाज पढ़ता है। देश में जो तानाशाह सरकार है उसी गंगा को बांटने की कोशिश कर रही है, इसी गंगा जमनी तहजीब को बांटने की कोशिश कर रही है। हमारी सदियों की ये परंपरा, ये संस्कृति रही है कि जब ईद होती है तो हमारे हिंदू भाई हमारे घरों पर आकर के सिवैयाँ खाते हैं, जब होली का रंग होता है तो वो हमारे गालों पर रंग डाल करके वो इंजॉय करते हैं, जब दिवाली होती है तो मुसलमान उनके घरों में जाकर के मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, जब गुरुद्वारों में लंगर बन रहा होता है तो उस लंगर को खाने वाले तमाम धर्मों तमाम जातियों के लोग होते हैं। हिंदुओं का त्यौहार निज़ामुद्दीन यानी एक मुसलमान की दरगाह में मनाया जाता है, जिसको हम बसंत पंचमी कहते हैं। ये ऐसी संस्कृति और ऐसी सभ्यता है भारत की कि इस सभ्यता को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें जब तक खड़ी होती रहेंगी और इन त्यौहारों को मनाया जाता रहेगा तो ये ताकतें ये हारती रहेंगी और हमारी जो संस्कृति है और ये जो सभ्यता है, जो भारत का कल्चर है, जो गंगा जमनी तहजीब है, जो कंपोजिट कल्चर है, वो यकीनन जीता रहेगा। अगर देश में एक तरफ नफरत फैलाने वाली ताकत ने अपना सर उठाया है और लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की है, जातियों के नाम पर बांटने की कोशिश की है, लोगों में बुरका और साड़ी टीका टोपी के नाम पर बंटवारा करने की कोशिश की है, तो उसी शिद्दत के साथ जामिया ने, शाहीन बाग ने, देश भर के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन कर रहे लोगों ने ये कोशिश की है कि हम बुरके और साड़ी के रिश्ते को मजबूत कर दें, टीका और टोपी के रिश्ते को मजबूत कर दें, पगड़ी और टाई के रिश्ते को इतना मजबूत कर दें कि देश में आने वाले दिनों में भी अगर कोई ताकत ऐसी खड़ी हो जो इस रिश्ते को कमज़ोर करना चाहे तो हमारे ये रिश्ते कमज़ोर ना हो। और पिछले 89 दिनों में जामिया में और शाहीन बाग में ऐसी थाली बना ली गई कि जिस थाली में, जिस प्लेट में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बहुजन दलित पारसी बौद्ध इस देश में रहने वाले हर कौम के और हर जाति के लोग एक प्लेट में साथ में खाना खा सके, ये मोहब्बत और भाईचारा कहीं ना कहीं इस दर्द भरे माहौल में कहीं ना कहीं हमें ताकत देता है और उस ताकत के सहारे, इस मोहब्बत और भाईचारे के सहारे आज भी शाहीन बाग में, जामिया में और देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन चल रहा है और आंदोलन CANPR को वापस कराने तक इसी तरह से जारी रहेगा। बिल्कुल ये जो लोग आंदोलन
परेशान कर रहे हैं, मानसिक तौर से उनको कमज़ोर करने की एक बड़ी साजिश है कि बिरयानी ख़त्म और शाहीन बाग का आंदोलन ख़त्म। इस तरह की ट्रेंडिंग इसलिए चलाई जा रही है ताकि नफसियाती तौर से जो आंदोलनकारी हैं वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कमज़ोर हो जाएँ। लेकिन आप जाकर के शाहीन बाग देखिए या जामिया का आंदोलन देखिए, जैसा जज्बा पहले दिन था जामिया और शाहीन बाग में, वैसा ही जज्बा देश के अलग अलग हिस्सों में आज 89 दिन के बाद भी मौजूद है और ये आंदोलन किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया चूंकि पहले से ही ट्रोल कर रहा है, ज़बानें बिक चुकी हैं, कलम खरीदे जा चुके हैं और मीडिया एक रखेल बन चुका है सरकार की, इस वजह से लगातार वो जो सरकार का प्रोपेगेंडा है उस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने के लिए शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश है, जामिया को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन उसी बीच कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं, मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा और देश में वो तमाम लोग या वो तमाम क्रांतिकारी पत्रकार जो सच्ची खबरें दिखाते हैं और जो मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है लोकतंत्र का, वो अपने उस कर्म को निभाते हैं, अपने उस काम का ख्याल रखते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार के फैसलों को जनता के सामने रखते हैं। इस मुद्दे को निभाने वाले जितने भी क्रांतिकारी पत्रकार हैं, हम उन सबको सलाम पेश करते हैं, उनको सल्यूट पेश करते हैं कि अगर एक तरफ लोगों ने लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए अपने स्टूडियो का इस्तेमाल किया है, तो आपने अपने कलम की ताकत से, अपनी ज़बान की ताकत से, अपने स्टूडियो की ताकत से देश के लोगों में विश्वास पैदा किया है और आपकी वजह से हमें पूरा यकीन है कि लोकतंत्र कमजोर नहीं हो पाएगा। और वो लोग जो इस देश में निगेटिविटी फैला रहे हैं वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और इस निगेटिविटी के माहौल में जो पॉजिटिव मैसेज वायरल करते हैं, अच्छी खबरें वायरल करते हैं, कंस्ट्रक्टिव बातें करते हैं, वो यकीन लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। हम पिछले सालों में 6 सालों में यही देखते चले आ रहे हैं कि किसी को खरीद लिया जाता है या दबा लिया जाता है और उस खरीदने और दबाने के पीछे भी कई राज छुपे होते के नेताओं के जो अपने घोटाले हैं, उन घोटालों के चलते नेता कहीं ना कहीं आदान प्रदान करने के लिए राजी होते हैं और उनकी मजबूरी होती है कि वो एक सरकार को या एक पार्टी को छोड़कर के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करें। हमने इन 6 सालों में कई नेताओं को, चाहे वो कर्नाटक का मामला हो, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, पार्टियां बदलते हुए देखा है। क्योंकि जो नेतागर्दी हो रही है इस देश में, जो राजनीति हो रही है, वो राजनीति देश की जनता को सुरक्षा देने के लिए, देश की जनता को फैसिलिटीज देने के लिए, देश की जनता के भला करने के लिए राजनीति नहीं हो रही है, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपना बजट बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए, अपने घोटालों को लोगों से छुपाने के लिए ये पूरी तरह से राजनीति हो रही है। तो अब ये जो आदान प्रदान चल रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे घोटाले छुपे हुए हैं, इसी वजह से वो अपनी तमाम घोटालों को छुपाने के लिए वो इधर आ रहे हैं। कांग्रेस को ये बात सोचने की ज़रूरत है कि आपके नेता अगर आपको छोड़कर के दूसरी तानाशाही की तरफ जा रहे हैं तो आप एक नेशनल पार्टी हैं, आपकी इस कमज़ोरी से आपको सीखना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोग आपको छोड़कर के दूसरी पार्टी को, जो देश के संविधान को अटैक कर रही है, उनको जाकर के वो ज्वाइन कर रहे हैं या उनको जाकर के वो उनके साथ में खड़े हो रहे हैं। अगर कांग्रेस का जो खामोश रवैया है, कांग्रेस की जो एक कमज़ोरी है, वो कहीं ना कहीं सवाल पैदा करती है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है। लेकिन इसी बीच देश की जनता को ये तय करना है कि आपके साथ मजबूरी की राजनीति हो रही है। देश में कोई भी सरकार हो वो देश की मालिक नहीं होती, देश में लोकतंत्र में जो जनता होती है वो देश की मालिक होती है। इसलिए अगर कोई सरकार मालिक बनने की कोशिश करती है, नेताओं को खरीदने की कोशिश करती है या मीडिया को खरीदने की कोशिश करती है या सुप्रीम कोर्ट पर और हाई कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश करती है, तो इन तमाम हालात से जो नुकसान होने वाला है वो जनता को नुकसान होने वाला है और जब जनता को नुकसान होगा तो यकीनन लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र की बड़ी ताकत जनता है। नेताओं के इस पूरे खेल को समझिए कि वो अपने घोटालों को छुपाने के लिए आपका सौदा बड़ी आसानी से कर देते हैं। इसलिए जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आप अपने सही सवालों पर नहीं आएंगे, जब तक आप अपने नेताओं से अपने मुद्दों पर बात करने की ताकत नहीं रखेंगे, तो ये नेता इसी तरह से पार्टियां बदल करके आपको मूर्ख बनाते रहेंगे। इसलिए उठिए और जागिए, आपकी बेदारी की ज़रूरत है। जामिया के लोग भी कम पढ़े लिखे हैं, यहाँ जो PhD कर रहे हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनको भी कुछ नहीं आता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, जो CA NPR के विरोध में हैं, वो सारे के सारे जाहिल हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो सारे प्रोफेसर हैं, जो सारे छात्र हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो भी सारे जाहिल हैं, उनको भी कुछ नहीं आता। IIT बॉम्बे के, सेंट स्टीफन कॉलेज के और देश के अलग अलग हिस्सों के, केरला जो साउथ इंडिया कहा जाता है और साउथ इंडिया में सारे शिक्षित लोग हैं, लेकिन आईने में वही दिखाई देता है जो आदमी खुद होता है। शाहनवाज हुसैन चूंकि खुद जाहिल हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हों या जो भाजपा में माइनॉरिटी के जो नेता हैं, वो सारे के सारे जाहिल हैं और अपनी जहालत के उसी आईने में वो आंदोलनकारियों को देखना चाहते हैं। तो जो
आपका अपना चेहरा होता है वही आईने में दिखाई देता है। देश के अलग अलग हिस्सों में चाहे वो जामिया के प्रोफेसर से या छात्र हों या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या IIT बॉम्बे, देश में दुनिया भर में जहाँ जहाँ शिक्षित लोग बसते हैं, पढ़े लिखे लोग बसते हैं, वो CAA NPR के विरोध में है। और इसका बड़ा एग्जाम्पल आसाम है। और आसाम में जिस तरह से NRC लागू करके लोगों को धोखा दिया गया है, नागरिकता छीन ली गई है, और सिर्फ नागरिकता मुसलमानों की नहीं छीनी है, आसाम इसके लिए बड़ा एग्जाम्पल है कि वहाँ हमारे हिंदू भाइयों की भी नागरिकता छीन ली गई है। तो ये CA इसीलिए तो लेकर के आए हैं ताकि मुसलमानों की नागरिकता छीन लें और जो हिंदू भाई हैं उनको CA के माध्यम से ये नागरिकता का लॉलीपॉप दे दें। तो ये CA इसीलिए लेकर आए हैं, जैसे ये आसाम में फेल हो गए उसी अपने फेलियर को छुपाने के लिए ये CA लेकर आए हैं देश भर के अलग अलग हिस्सों में। UN से आप देखिए कि UN से पिटीशन दाखिल हुई है, तो क्या UN भी गैर पढ़ा लिखा है, UN भी जाहिल है? वहां से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई है CA के विरोध में, NPR के विरोध में, UN में, ईरान में, टर्की में, बांग्लादेश में, जिन ममालिक से हमारे ताल्लुक बहुत अच्छे रहे हैं उन सारे देशों के अलग अलग हिस्सों से CA NPR का विरोध हो रहा है। तो क्या दुनिया भर में ये सारे लोग जो इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं वो सारे अनपढ़ हैं? यही चंद लोग पढ़े लिखे हैं जो गोबर से कोरोना वायरस को दूर करना चाहते हैं? इसलिए इस बात को देश की जनता को समझने की जरूरत है कि वो लोग जो अभी तक सोए हुए हैं, जो जागरूक नहीं हुए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में CA NPR का विरोध करने वाले रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षित लोग हैं इस देश के, जो ये जान रहे हैं कि CA का नुकसान क्या है, NPR का नुकसान है। इसलिए अगर माइनॉरिटी के लीडर गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि CA का विरोध करने वाले पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको बुनियादी चीज़ नहीं पता है, तो ये बहुत बेबुनियाद बात है। आप आइए शाहीन बाग में, आप जामिया आइए, आपको संविधान इतना सिखा देंगे कि इतनी बड़ी एज में आपने संविधान कभी ना पढ़ा होगा ना सुना होगा। यहाँ आपको जो फंडामेंटल राइट हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं संविधान ने जो हमें दी हैं, हर भारत के नागरिक की जो जिम्मेदारियाँ और अधिकार हैं, शाहीन बाग की महिलाएँ शाहनवाज हुसैन को बताने के लिए तैयार हैं, मुख्तार अब्बास नकवी को बताने के लिए तैयार हैं, हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को सिखाने के लिए तैयार हैं। और यही बात शाहीन बाग की महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकारों से कही। और जब वार्ताकारों से शाहीन बाग की महिलाओं ने बात की तो वार्ताकार ये कहने पर मजबूर हुए कि जिस देश में शाहीन बाग जैसी महिलाएं हों उस देश के संविधान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए बड़ी बेबुनियाद बात है और वो इस बेबुनियाद बात को हम कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। देखिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को जिस तरह से जलाया गया, तकरीबन 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख लोग उस दंगे से प्रभावित हुए हैं, मकान जल गए हैं, जानें चली गई हैं, आंकड़े बहुत ऊपर जा रहे हैं और लगातार ये दंगे का जो असर है वो लोगों पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यस बैंक डूब गया है, लाखों लाख जो कारोबारी हैं वो प्रताड़ित हो गए हैं यस बैंक के डूबने से, जो व्यापारी हैं उनके सारे ख्वाब खत्म हो गए, जिनकी बेटियों के घरों में शादियाँ होने वाली थी उनका सारा ख्वाब जमींदोज हो गया, सारा ख्वाब खत्म हो गया। वो लोग जो किराएदार थे, जो मकानदार थे, जिनको पैसे पे करना थे, जो कर्जदार थे, यस बैंक के डूबने की वजह से उनको बड़ा नुकसान हुआ है। तो अब जिस तरह से यस बैंक डूबा है, आर्थिक मंदी वैसे ही चल रही है, अर्थव्यवस्था वैसे ही खराब है, GDP का बुरा हाल है, इस तमाम फेलियर को छुपाने के लिए ये CA NPR NRC को लेकर के आए थे ताकि बड़ी आसानी से मुद्दे को डाइवर्ट किया जा सके और इस CA NPR के चलते ही अपना फेलियर छुपा सके। लेकिन जहां एक तरफ CA NPR को वापस कराने के लिए आंदोलन चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को जो जलाया गया उसके खिलाफ भी आवाजें उठ रही हैं और यस बैंक का पूरा घोटाला देश के लोगों के सामने आ गया है और देश की जनता कहीं ना कहीं समझ रही है कि जो सरकार के उद्योगपति हैं, जो सरकार के करीबी हैं और इनके रिश्तेदार हैं, देश की जनता का सारा पैसा उनके फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब ये NPR को लागू करने की जो कोशिश हो रही है, हम पूरी ताकत और हिम्मत से अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए तानाशाहों को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। आज दुनिया में शाहीन बाग की बात हो रही है, आज दुनिया में CA NPR का विरोध हो रहा है और हमें इसी अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए हमें कहीं ना कहीं हमें अपनी ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हम मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश के लोग जागरूक हो रहे हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, SC ST के समाज के जो लोग हैं, प्रकाश अम्बेडकर जैसे लोग, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग या वामन मिश्राम जैसे लोग, आज देश में उन तमाम दलितों और बहुजनों को जो बड़ी आबादी है, 75% है इस देश में, तो वो 75% आबादी देश में 14% मुसलमान है गवर्नमेंट के आंकड़ों के मुताबिक, तो इतनी बड़ी आबादी अगर मिल जाएगी तो 3% मनुवादियों को बहुत आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। हम अपना संघर्ष कर रहे हैं देश में, इसी भारत में 100 साल तक अंग्रेजों से लड़के हमने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बहुजन दलित पारसी एकता के साथ में 100 साल तक हम अंग्रेजों से लड़े और उनको हमने यहाँ से भगाया। संविधान बनाने की वो
लड़ाई थी और आज जब संविधान बचाने की लड़ाई है तो हम 100 साल तक आंदोलन करते रहेंगे शांतिपूर्वक तरीके से और हम इन तानाशाहों को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे।